नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। रायसेन के महामाया चौक पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार से कई बार मांग किए जाने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष वसुधा मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। संपर्क ऐप के माध्यम से कार्य किए जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अल्प मानदेय पर काम करने वाली महिलाओं को आखिर इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम लोग संपर्क ऐप को लेकर हम लोगों ने धरना दिया है कि हम लोगों को एक ही काम दो ऐप पर करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा बहुत प्रेशर दिया जा रहा है कि एक ही काम को दो ऐप पर करने के लिए जबरदस्ती और हम लोगों को मतलब बहुत प्रताड़ित भी किया जा रहा है। हम लोग मना कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों के अपनी अटेंडेंस खुद ही लगा रहे हैं वो लोग अधिकारी लोग। हम लोग की अटेंडेंस खुद अपने मोबाइल से लगा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आवेदन निवेदन सब कुछ कर चुके हैं, महिला मंत्री से भी बात कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं किया है। हम सब लोग उससे तंग आकर आज हम लोगों ने रैली ज्ञापन किया है। और अगर आज हम लोगों की मांगों का कोई निराकरण नहीं होता है तो 5 दिन का अल्टीमेटम मांगा है। 5 दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य हो गया है। आज कितनी संख्या में है कार्यकर्ता? आज संख्या जो है 100-200 है। अभी और भी बहनें हमारी आने वाली है, पूरी तहसील शामिल होगी, रायसेन जिले की पूरी तहसील आने वाली है। 2 बजे रैली ज्ञापन किया जाएगा। क्या नाम और क्या पद है आपका? मेरा नाम वसुधा मिश्रा है, भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश अध्यक्ष।